हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए एस स्टडी टाइम। सो कीप योर पेन एंड पेपर रेडी। आज ये वीडियो पार्ट टू है क्वाड्रेटिक। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अलग थोड़े से अलग क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पार्ट वन में बनाए थे उससे थोड़े अलग क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, इससे पहले ही क्लास टेन मैथ्स के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करके मैंने वीडियोस अपलोड किए। अगर आप लोग 10 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, और वो वीडियोस मैंने बहुत इजी मेथड में बताया है, बहुत इजी वे में बताया ताकि आप लोग बहुत आराम से उसको कर पाएंगे। और अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आप लोग उसको समझ के कर पाएंगे खुद से। और इसी तरीके से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट वन मैंने बताया था, अब उसी तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखे तो पहले पार्ट वन देख ले ताकि आप लोगों का थोड़ा बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए कि उसमें बनाना क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना एक्सरसाइज 9। हम लोगों के पास लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 का पावर हाफ एंड √3। यानी यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट पता करना है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का पावर हाफ एंड √3। बहुत सिंपल है, सबसे पहले 3 का पावर हाफ इसको ऐसे ही रहने देते हैं इनटू √3। √3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है पावर हाफ। ठीक है, तो 3 का पावर हाफ इंटू 3 का पावर हाफ। तो हम लोग क्लास 7 में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, a^m इंटू मतलब बेस सेम रहता है और पावर अलग रहता है, तो दोनों को ऐड करते हैं, या बेस सेम है पावर कुछ भी होता है तो ऐड करते हैं। यानी 3 का पावर हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1। यानी कि 3 का पावर 1 यानी कि 3। यानी प्रोडक्ट क्या होगा, 3^2 एंड √3 दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 3। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 है, 1 का b है। लेट अस राइट व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2√2 टू गेट द प्रोडक्ट ऑफ 4। 2√2 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 देगा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में हम लोग बना सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं लेट x शुड बी मल्टीप्लाइड, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 × x = 4। यानी x = 4/2√2। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यानी ऊपर में आया 2, नीचे में √2। तो जब कभी ऐसा होता है तो हम लोग एक टर्म जानेंगे, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज का मतलब होता क्या, रैशनलाइज का मतलब होता है जो चीज़ हम लोगों को जैसे दिया हुआ है √2 नीचे, तो उसी √2 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जैसे रूट में कोई एक जैसा नंबर से, जैसे √2 × √2, तो ये हमेशा क्या देगा, तो ये हमेशा 2 देगा। जैसे अभी हम लोग देखें 3 का पावर हाफ, ये भी √3 और ये भी √3 है। जब 2√3 को मतलब एक जैसा रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो गया, 1, यानी 3 हो जाएगा। इसी तरीके से √2 × √2 क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे √2 × √2 देगा, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x = आया हम लोगों का √2। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो रैशनलाइज आप लोग समझे, जैसे अगर √5 है, इसको अगर रैशनलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नीचे में है, इसको अगर हम लोग रैशनलाइज करें तो ऊपर में भी √5 लिखेंगे और नीचे में भी √5 लिखेंगे। यही हुआ रैशनलाइज करना। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं 1 का c। क्वेश्चन नंबर सी है, 1c। लेट अस कैलकुलेट द प्रोडक्ट, कैलकुलेट करना है द प्रोडक्ट ऑफ 3√5 एंड 5√5। बहुत इजी है भी, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, जैसे कि पार्ट वन में हम लोगों ने बनाया था। तो 3√5 × 5√3 बहुत सिंपल है, जो रूट के बाहर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 5 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। और जो रूट के अंदर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रूट के अंदर 5 × 3 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी क्या देगा, बाहर तो 15 है और अंदर में भी मल्टीप्लाई करके क्या देगा, तो 15, यानी 15√15। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर 15 की जगह पे कुछ और नंबर्स होता जो कि जैसे अगर हम लोग उसको रूट से बाहर ले पाते तो हम लोग ले लेते, लेकिन 15√ से बाहर तो आ नहीं सकता है, तो इसी के लिए 15√15 यही हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल है, चलिए बनाना शुरू करते हैं डी।
क्वेश्चन नंबर डी है, इफ रूट सिक्स इंटू रूट फिफ्टीन इज इक्वल टू एक्स रूट टेन, देन राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों को गिवन है उसको उतार लेते हैं। जैसे यहाँ पे रूट सिक्स इंटू रूट फिफ्टीन इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट टेन, ठीक है। एक्स का वैल्यू चूँकि निकालना है तो एक्स के सामने जो रूट टेन है वो इसके नीचे चला आएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू रूट सिक्स इंटू रूट फिफ्टीन डिवाइडेड बाई रूट टेन, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर जैसे यहाँ पे सिक्स है यहाँ पे फिफ्टीन है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रूट रूट टेन है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि ये रूट सिक्स है, सिक्स रूट सिक्स मतलब क्या होगा, टू इंटू रूट टू इंटू थ्री, यानी रूट टू इंटू थ्री, और रूट फिफ्टीन है यानी रूट फाइव इंटू थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ रूट टेन है यानी टू इंटू फाइव, रूट टू इंटू फाइव यही देगा। अब हम लोग चूंकि क्या करेंगे कि हर एक पे रूट दे सकते हैं, अगर ए बी का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर रूट है, इसका मतलब ए के ऊपर भी रूट है और बी के ऊपर भी रूट है, ये पहला वीडियो में हम लोग समझे थे, ठीक है। यानी यहाँ से आएगा रूट टू इंटू रूट थ्री, फिर इंटू रूट फाइव इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई नीचे से रूट टू इंटू रूट फाइव। क्या किया हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं किया, ये टू इंटू थ्री है, रूट टू इंटू थ्री है, यानी ये रूट टू पे भी है और थ्री पे भी है, यानी लिखेंगे रूट टू फिर रूट थ्री, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, जैसे रूट टू कैंसिल हो रहा है, रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या देगा। तो अभी हम लोग जाने कि अगर हम लोग कोई एक जैसा कोई भी जो सर्ड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या देगा, सिर्फ थ्री देगा। जैसे रूट फाइव इंटू रूट फाइव ये क्या देगा, तो ये फाइव देगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या देगा, तो थ्री देगा। यही हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। वन ई क्वेश्चन नंबर वन ई है, इफ़ रूट फाइव प्लस रूट थ्री रूट फाइव माइनस रूट थ्री इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पता करना। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो रूट फाइव प्लस रूट थ्री और यहाँ पे रूट फाइव माइनस रूट थ्री इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं। उसके बाद रूट फाइव प्लस थ्री हम लोग ये क्या अगर समझेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, सॉरी रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ये भी हम लोग अपने पहले वाले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझे थे, सॉरी क्वाड्रेटिक सर्ड का समझे थे, इक्वेशन नहीं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा फाइव, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा थ्री, ठीक है। यहाँ से 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइव से थ्री जाएगा टू, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 25 यहीं रहेगा और ये टू इसको यहाँ पे भेज देंगे, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23, यानी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 23। तो एक्स का वैल्यू आ गया रूट ओवर 23, यही हम लोगों का एक्स का वैल्यू यानी एक्स का आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है। ये 1E है, एक्सरसाइज 9.2 क्वाड्रेटिक सर्ट्स का। चलिए बनाते हैं, टू है, लेट्स कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ रूट सेवन इंटू रूट फोर्टीन, बी में दिया हुआ है रूट ट्वेल्व इंटू टू रूट थर्टीन, ठीक है। बहुत सिंपल है, हम लोगों को बोला गया है कि रूट सेवन इंटू रूट फोर्टीन, ठीक है, तो रूट सेवन तो वैसे ही रहेगा, रूट फोर्टीन सात दुनी चौदह होता है यानी सेवन इंटू टू, ठीक है। अब हम लोग ये रूट जो है दोनों पे है, इसका मतलब ये रूट एक पे ही लिखेंगे, दोनों का रूट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, सेवन कॉमन आ रहा है तो सेवन कॉमन ले लेंगे, बच गया अंदर में टू, यानी सेवन रूट टू इसका मल्टीपल होगा और यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल था। इसी तरीके से हम लोग बी का भी बना लेंगे, तो यहाँ पे रूट ट्वेल्व है इंटू टू रूट थ्री, तो रूट ट्वेल्व का मतलब क्या होता है, पहले ये निकालेंगे, रूट ट्वेल्व बारह का जब एलसीएम लेंगे तो दो दूनी चार तिया बारह, यानी टू इंटू थ्री आएगा, ठीक है। और ये टू रूट थ्री पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद अब यहाँ से टू रूट थ्री से दो टू है तो एक टू तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा थ्री, यानी टू रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री, तो टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर,
और रूट थ्री इंटू रूट थ्री जब मल्टीप्लाई होगा, तो अभी हम लोग जान रहे थे कि रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, थ्री देगा। रूट फोर को रूट फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर देगा। रूट फाइव को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव देगा। ठीक है, तो 4 * 12 यानी कि 12 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था। चलिए बनाना शुरू करते हैं 2C। तो ये 2C में है रूट फाइव रूट फिफ्टीन इंटू रूट थ्री। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पे भी। तो रूट फाइव रूट फिफ्टीन तो ये होगा 5 * 3, 15 होता है, और इंटू रूट थ्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रूट में सबको लिख लेंगे, यानी 5 * 5 * 3 * 3। ठीक है, तो 2 5 में से 1 5 कॉमन, 2 3 में से 1 3 कॉमन, और 5 * 3 कितना हो जाएगा, तो 15। यही हो गया हम लोगों का आंसर। बहुत सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे रूट टू थ्री और प्लस रूट फाइव है ना, तो यानी ये रूट टू जो है ये एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये रूट टू एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब रूट टू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 √2, और जब इसी रूट टू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 * 5 कितना होता है, 10, यानी √10। तो 3 √2 + 10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। तो ई में क्वेश्चन दिया हुआ √2 + √3, √2 - √3, यानी ये a + b, a - b इस तौर पे दिया हुआ, यानी a² यानी √2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या देगा, 2 देगा, और -√3 का स्क्वायर 3 देगा। तो 2 से 3 जाएगा -1। यही हो गया हम लोगों का आंसर। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 √3 + 3 √2, 4 √2 और +√5। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ये 2 √3 है, इसको 4 √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसे 2 √3 से हम लोगों को √5 को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 3 √2 से 4 √2 को मल्टीप्लाई करना है, और इसी 3 √2 से √5 को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 * 4 = 8, यानी 8 हो जाएगा, और √3 * √2 कितना होगा, तो √3 * √2 होगा √6, मतलब 2 * 3 = 6। ठीक है, फिर 2 √3 से √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 है, बाहर में 2 रहेगा, √3 * √5, तो 3 * 5 कितना होता है, 15। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, +3 * 4 = 12, और √2 * √2 क्या देगा, तो 2 देगा। तो यानी 12 * 2 = 24, यहाँ पे आएगा 24, प्लस 3 √2 * √5, तो 3 रहेगा, √2 * √5 यानी कि 2 * 5 = 10, यानी कि 3 √10। ठीक है, अब हम लोग ऐड होगा तो ऐड कर देंगे, जैसे कुछ तो ऐड नहीं होगा, सिर्फ 24 आगे हैं उसको आगे में ही लिखेंगे, यानी इसको सजा के लिख लेते हैं। तो 24 + 8 √6 + 2 √15 + 3 √10, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जी में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जी में √3 + √1, √3 - 1, √3 - 1, 2 - √3, 4 + 2 √3। बहुत सिंपल है, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग। इन लोगों का प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो आएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 2 * 4 = 8। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, 2 * 2 = 4, √3 यहाँ से आएगा, -√3 * 4 है यानी 4 √3, और माइनस प्लस माइनस, तो 2 का 2 रहेगा, और √3 * √3 यानी √3 * √3 होता है 3, यानी 2 * 3 = 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद यहाँ से +4 √3 - 4 √3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा वैल्यू में, तो स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आएगा 3 - 1। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, 8 से 6 जाएगा तो 2, तो 3 - 1 भी 2 होता है, और 8 से 6 किया तो भी बचा 2। ठीक है, तो 2 * 2 = 4, यानी कि यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था प्रोडक्ट का, हम लोग आराम से प्रोडक्ट करना सीख गए। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ रूट एक्स इज़ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5, लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग वट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एक्स इज़ एन इंटीजर। कहा जा रहा है कि रूट एक्स जो है वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है √5 का। ठीक है,
तो एक्स का बोला जा रहा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा एक्स का? बहुत सिंपल है, यहाँ पे बोला गया कि चूंकि एक्स इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, एक्स इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5, ठीक है, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है √x। इसका मतलब हुआ कि देयर फोर √x है, यानी वो रैशनलाइजिंग फैक्टर है √5 का, तो देयर फोर एक्स क्या हो जाएगा, वो 5 के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है। स्क्वायर रूट भी अगर हम लोग करेंगे, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा एक्स इज इक्वल टू 5, तो यानी एक्स का वैल्यू 5 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख कर ही बता पाएंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3B में है, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3√2/3। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को बोला है 3√2/3, यानी डिवाइड मीन्स बटा में लिखना है 3√3, 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से बचा क्या, सिर्फ √2, यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो एक लाइन में हम लोग उसको बना लेंगे, ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स में, या बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बनाना शुरू करते हैं आगे का। सी में लेट अस राइट विच स्मॉलेस्ट फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई द डेनोमिनेटर, शुड वी मल्टीप्लाई द डेनोमिनेटर टू रैशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ 7/√48। अच्छा, बोला जा रहा है कि 7/√48 को, कौन सा रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम लोगों को रैशनलाइज करना है। तो बहुत सिंपल है, पहले लिखेंगे 7/√48, इसका मतलब हुआ 7/√48, ठीक है। √48 को हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, यानी 16√3, और 16 मीन्स हुआ 7, 16 है तो 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है, क्योंकि 16 का रूट क्या होता है, √16 मतलब 4 होता है, ठीक है, यानी 4√3 आ गया, 7/4√3। तो अब हम लोगों को पूछा गया है कि कौन सा रैशनलाइजिंग फैक्टर से जो है, बोला गया है कि विच स्मॉलेस्ट फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई द डेनोमिनेटर, कौन से स्मॉलेस्ट फैक्टर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, √3 है तो ऊपर नीचे √3 से हम लोग उसको रैशनलाइज कर देंगे, यानी 7/√3 × 4√3 है तो √3/√3, तो ऊपर में हो जाएगा 7√3/, और यहाँ से 3√3 × √3 देगा, और 3 × 4 होता है 12, ठीक है, यानी 7√3/12, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। और बोला गया विच स्मॉलेस्ट फैक्टर शुड बी मल्टीप्लाई, तो जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो √3 है, जिससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, ताकि वो रैशनलाइज हो पा रहा है, तो यही हम लोगों का आंसर है। चलिए बनाना शुरू करते हैं डी। क्वेश्चन नंबर डी, लेट अस कैलकुलेट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √5+2 विच इज़ ऑल्सो अ कॉन्जुगेट सर्ट। अब हम लोग जानेंगे वट इज़ अ कॉन्जुगेट सर्ट। बहुत सिंपल है कि हम लोगों को दिया हुआ है √5+2, ठीक है। अब बोला गया कि इसको कौन सा रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका कॉन्जुगेट सर्ट भी होगा, तो द कॉन्जुगेट सर्ट, सिंपल है, √5+2 है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √5 − −2, ठीक है। हम लोगों को क्या करना होगा, कॉन्जुगेट में जो साइन है सिर्फ उसको उल्टा कर देना है बस, जैसे ये √5+2 तो √5 − 2, अगर यहाँ पे होता −√5+2 तो यहाँ पे हम लोग कर देते +√5 − +2 है, वैसे +2 रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट है इसका, बस यही इसका आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं आगे। ई क्वेश्चन है, इफ़ √5+√2/√7 = 1/7 √35+a, यहाँ से a का वैल्यू निकालना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या करना है, √5+√2/√7 1/7 35+a, ठीक है। तो हम लोग डिवाइडेड बाई √7 है, मतलब नीचे √7 लिखेंगे, √5+√2/√7 = 1/7
35 प्लस 8, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे, जैसे √7 है तो ऊपर नीचे √7 रैशनलाइज कर देंगे, तो √5 प्लस √2, यहाँ पे √7 है तो यहाँ पे भी √7 और नीचे में भी √7, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1/7, 35 प्लस 8, तो √7 × √7 क्या देगा हम लोगों को, तो 7 दे देगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √7 × √5 यानी 35 प्लस √7 × √2 यानी 14, ठीक है। डिवाइडेड बाई 7 = 1/7, 35 प्लस 8, तो 1/7 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोगों को बच क्या रहा है, तो √35 + √14 = 35 + 8, ठीक है। सॉरी, ये भी √35 है, हाँ। तो अब हम लोग यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे +√35 है, प्लस यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक जगह लाइन करेंगे, ये ए को यहीं रहने देंगे हम लोग, ठीक है, और ये √35 यहीं रहेगा, ये इधर आएगा, तो सॉरी ये इसको यहीं रहने दे, इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं हम लोग जैसे, तो ये वाला हो जाएगा -√35 + √14, तो √35 √35 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा √14, और यही हम लोगों का आंसर है, बहुत सिंपल है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एफ एफ में क्या, लेट अस राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - 2 विच इज़ नॉट इट्स कॉन्जुगेट सर, यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर भी देना है, ठीक है। डेनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डेनोमिनेटर का, ये जो डेनोमिनेटर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है हम लोगों को, लेकिन वो उसका कॉन्जुगेट सर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एफ में जब हम लोगों से ये क्वेश्चन बोला गया, तो √3 - 2 इसका जो कॉन्जुगेट सर, अच्छा यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक है, विच इज़ इट्स कॉन्जुगेट सर, वो उसका कॉन्जुगेट सर होना चाहिए, जैसे कि हम लोग को दिया हुआ है 5/√3 - 2, तो देयर फोर द कॉन्जुगेट सर क्या हो जाएगा, तो सिंपल √3 - 2 है, वो हो जाएगा √3 + 2। ठीक है, कॉन्जुगेट सर, यही इसका कॉन्जुगेट सर, बहुत सिंपल है कॉन्जुगेट सर निकालना, जो वैल्यू जैसे दिया हुआ है उसका ऑपोजिट साइन है, तो वो कॉन्जुगेट हो गया उसका उल्टा, ठीक है। चलिए आगे बनाना शुरू। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अस राइट द कॉन्जुगेट ऑफ मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी बहुत सिंपल है ये भी, यहाँ पे दिया हुआ है 9 - 4√5 एंड दिया हुआ है -2 - √7, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4√5, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा इज सिंपल, ये 9 - 4√5 है तो ये माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा 9 + 4√5, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब इसका इसी तरीके से लिखेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ -2 - √7 इज क्या हो जाएगा, -2 - √7, जब इस टाइप से दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को इस ये वाला चेंज करना होगा, ठीक है, यानी -2 वैसे ही रहेगा +√7, ये हो जाएगा हम लोगों का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट है ये और इसका कॉन्जुगेट यही, यही हम लोगों का आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट अस राइट 2 कॉन्जुगेट सर्ट्स ऑफ ईच मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे दिया हुआ है, अब हर एक का बोला गया है कि 2 कॉन्जुगेट सर्ट लिखना है, ठीक है। तो 1 नंबर में √5 + √2, तो इसका द 2 कॉन्जुगेट सर्ट क्या हो जाएगा, सर्ट्स इज पहला तो हो जाएगा √5 - √2, ये कॉन्जुगेट सर्ट होगा इसका, ठीक है, एंड दूसरा कॉन्जुगेट सर्ट हो जाएगा इसका, इसका उल्टा, यानी √2 - √5, √2 - √5, ये इसका दूसरा कॉन्जुगेट सर्ट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा अगर निकालना होगा तो √2 + √5 निकल जाएगा, क्लियर हुआ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 13 + √6, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा,
इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 13 माइनस रूट सिक्स, एंड रूट सिक्स क्या हो जाएगा, आगे चलाएगा यानी रूट सिक्स माइनस 13, ये इसका दूसरा कॉन्जुगेट हो गया और यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रूट 17 माइनस रूट 15, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो सिंपल रूट 17 प्लस रूट 15, ये इसका कॉन्जुगेट है एक। दूसरा कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट 15 आगे चलाएगा माइनस रूट 17, ये इसका कॉन्जुगेट है और यही आंसर है। बहुत सिंपल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए। चलिए आगे बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बस 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, और हम लोग इस वाले पार्ट में ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग सीखेंगे रैशनलाइज करना, ठीक है। रैशनलाइज किसको करना, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में है, 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई 6। अगर इसको रैशनलाइज करने के लिए कहा गया है, सिंपल रैशनलाइज करना है ना, सॉरी रूट 6 है, तो जो हम लोगों को डेनोमिनेटर दिया हुआ है, डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, ठीक है। तो ये जो डेनोमिनेटर है उससे ऊपर भी और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई रूट 6 इंटू रूट 6, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाएगा रूट 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 ऐसे ही उतर जाएगा और √3 इंटू रूट 6 यानी √18, 6 × 18 प्लस 3 तो वैसे ही रहेगा, और √2 इंटू रूट 6, 6 × 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट 6 इंटू रूट 6 क्या देगा, तो 6। अब यहाँ से 2, अब √18 का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। √18 का मतलब 18 के एलसीएम लेंगे तो 2 × 9 = 18 होता है, और फिर 3 × 3 = 9। तो √18 का मतलब हुआ कि 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 1 2 बाहर निकलेगा, 3 यानी 2√3 आएगा √18 का मतलब। तो जहाँ पे √18 है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। ये रफ वर्क मैंने किया है। और प्लस अब यहाँ पे है 3√12, तो 12 का मतलब भी हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा हम लोगों को, 2 × 6 = 12 और 2 × 3 = 6। तो √12 मतलब हुआ 2 × 2 × 3, यानी 2 2 में से 1 2 कॉमन आएगा यानी 2√3। तो √12 का मतलब हो गया 2√3, एंड √18 का मतलब हो गया, ओ सॉरी यहाँ पे 3 × 3 है, 3√2 हो गया, ठीक है। √18 का मतलब हुआ 3, इसको मैं काट रही हूँ, बहुत मिस्टेक हो गया, 2 तो पहले से है, और √18 का मतलब हो गया 3√2 प्लस 3, और √12 का मतलब होता है 2√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो 3 × 2 = 6√2 प्लस 3 × 2 = 6√3 डिवाइडेड बाई 6। देखिए 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है, √3 है ये, √2 ऐड तो नहीं हो सकता, लेकिन 6 दोनों में कॉमन है, 6 बाहर लेंगे तो आ जाएगा √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोगों का आंसर आ गया √2 प्लस √3, यही हम लोगों का आंसर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज करना। तो बहुत सिंपल है रैशनलाइज करना। चलिए अब हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए हैं तो उसी की तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को गिवन है √2 − 1 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √5। √2 − 1 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √5, ठीक है। हम लोगों को इसको भी रैशनलाइज करना है, तो इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं। √2 − 1 प्लस √6, ऊपर में भी √5 से और नीचे भी √5 × √5, ठीक है, ये हम लोग कर लिए। अब उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 × √2 क्या देगा, तो √10 माइनस √5 × 1 तो √5, और प्लस √6 × 5 यानी √5 × 6 = 30, ठीक है, √5 × 5 = 5 देगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को
यहाँ पे √10 है, माइनस √15 है, और यहाँ से √30 है, तो हम और नीचे में 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/5, और ये जो नंबर्स है इसको वैसे उतार देंगे, इसका मतलब भी वही हुआ, √10 माइनस √5 प्लस √30। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये और तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसीलिए यही हम लोगों का आंसर है। तो ये हो गया रैशनलाइज करना, ठीक है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, 4 बनाते हैं हम लोग, 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 बना लिए, 3, 4 बना लेंगे, ठीक है, या 3 और 5 बना लेते हैं, 4 और 6 ये आप लोग ट्राई कीजिए और आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, इसको रैशनलाइज करना है, सिंपल। नीचे क्या है, √3 - 1, इसी को रैशनलाइज करना पड़ता है हम लोगों को, ऊपर वैसे ही लिखते हैं √3 + 1, नीचे में √3 - 1। अब जो नंबर रैशनलाइज कर रहे हैं अगर हम लोग, तो नीचे जो है उसी को ऑपोजिट साइन लिखेंगे, यानी अगर √3 - 1 है तो इसको ऑपोजिट साइन में क्या होगा, √3 + 1, ठीक है। अब जो यहाँ लिखे हैं वही इसको यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे √3 + 1, ठीक है। क्या हम मैं क्या कह रही हूँ, जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो जो भी डेनोमिनेटर में दिया हुआ है, जैसे √3 - 1 दिया हुआ, तो हम लोग उसका उल्टा साइन लेंगे, √3 + 1 लेंगे। अगर √3 + 1 दिया हुआ होता तो √3 - 1 लेते, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, √3 + 1, √3 + 1 यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे √3 - 1, √3 + 1 यानी a + b a - b यानी √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब √3 + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, √3 + 1 का होल स्क्वायर मतलब a² यानी √3 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 × √3 × 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ से भी हम लोगों को मिलेगा सिर्फ 3 प्लस 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 से 1 जाएगा तो 2, ठीक है, 3 + 1 = 4, 4 + √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम लोग ऊपर ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 + √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2 + √3। तो बहुत सिंपल है, जब रैशनलाइज किए तो हम लोगों का आंसर आया 2 + √3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्टार्ट करते हैं बनाना क्वेश्चन नंबर 5, 4 आप लोग खुद से बनाए, ट्राई करें और आप लोग भी रैशनलाइज कर पाएंगे बहुत आराम से, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 3√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√5 - 1, ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है, तो 3√2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√5 - 1, तो नीचे में 2√5 - 1 है, तो हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, 2√5 + 1, अभी मैंने कहा जो साइन होगा उसका उल्टा, ठीक है, नीचे में जो लिखा है वही ऊपर में भी लिखेंगे, 2√5 + 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3√2 से हम लोग 2√5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, और रूट के अंदर जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 2 = 10, ठीक है। फिर 3√2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी +3√2, प्लस फिर 1 से 2√5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5, और फिर प्लस 1 × 1 = 1 यानी 1 × 1 = 1, ठीक है। 2√5 - 1, 2√5 + 1 यानी 2√5² - 1² ठीक है। अब हम लोग अगर इसमें से कुछ ऐड होता तो ऐड कर देते, लेकिन नहीं होगा तो इसको वैसे लिखेंगे, जैसे कि 6√10 +3√2 +2√5 + 1, इसको वैसे ही रहने देंगे। और नीचे में देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो 4 × 5 = 20, ठीक है, -1, तो 20 से 1 जाएगा तो नीचे में बच जाएगा 19, ठीक है, तो यानी 19, और बाकी ऊपर में तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, तो उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, यानी 1/19, और ये 6√10 + 3√2 + 2√5
1, ठीक है। तो हम लोग इसको वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 जो है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स का ही, 4 और 6 आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, आप लोग रैशनलाइज करें, आप लोगों से भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते बनाना क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड एंड रैशनलाइज द डिवाइजर। बहुत सिंपल है, पहले तो दोनों को डिवाइड करना है, पहला को दूसरा से, ठीक है, और फिर रैशनलाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 उतारते हैं हम लोग। 3√2 + √5, √2 + 1 डिवाइड करने के लिए कहा गया, यानी 3√2 + √5 / √2 + 1। तो हम लोग इसको डिवाइड कर लिए। अब कहा गया है कि रैशनलाइज किया जाए, ठीक है। तो रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, जो नीचे है उसका उल्टा, यानी उसका कॉन्जुगेट, √2 + 1 उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सॉरी √2 - 1 ये लेंगे, और जो नीचे लिया √2 - 1 इसी को ऊपर में भी लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 3√2 × √2, तो देखिए √2 × √2 क्या देगा, 2 देगा, और 2 × 3 क्या देगा, तो 6, ठीक है। फिर 3√2 - 1 यानी -3√2, √5 × √2, तो 5 × 2 कितना होता है, 10, यानी +√10, और ±√5, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे √2 + 1, √2 - 1 यानी √2² - 1² ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं कि यहाँ पे 6 - 3√2 + 10 - √5, तो कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और नीचे से जो आएगा उसको लिख लेंगे। डिवाइडेड बाई √2² क्या देगा, तो 2 देगा, और -1, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, यानी कि नीचे में कुछ नहीं बचा, बल्कि क्या हो गया, सिर्फ यही हम लोगों का आंसर हो गया, 6 - 3√2 + √10 - √5, यही आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल था, रैशनलाइज करना बहुत सिंपल काम है, ठीक है। इस 7 में 3 क्वेश्चन है, 2 मैं बना दे रही हूँ, एक आप लोग खुद से ट्राई करें, आप लोग से भी बन जाएगा। 2 में है √3 - √2 डिवाइडेड बाय √2 - √3, ठीक है। अब हम लोग इसको यहीं पे रैशनलाइज कर लेते हैं, √2 + √3 रैशनलाइज अगर करेंगे तो, क्योंकि हम लोगों को कॉन्जुगेट लेना है √2 + √3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 × √2 कितना हो जाएगा, तो √6, ठीक है। फिर 2√3 × √3 यानी 3 देगा, और 2 तिहाई 6 होता है, -√2 × √2 क्या देगा, 2, और -±√2 × √3 यानी के √6 डिवाइडेड बाय यहाँ से √2² - √3² √2² - √3², ठीक है। यहाँ से 2√6 - √6 यानी सिर्फ बचेगा √6, और 6 से 2 जाएगा तो बचेगा 4 यानी 4। यहाँ से 2 - 3 तो यानी कि -1 यानी -√6 और -4, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर रैशनलाइज करने के बाद। ये माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से, तो -√6 - √-4 यही आंसर है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बनाया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करें, आप लोग से बन जाएगा, और बनने के बाद प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग से बन गया, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2√5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1 -4√5 - 1 एंड √5 - 1। तो ये थोड़ा सा अलग है, और थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स में आता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा 3 मार्क्स में, हर साल एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में क्वाड्रेटिक सर्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और टिक आउट जो रहता है उसमें भी 1 या 2 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, √5 + 1, √5 - 1। तो √5 + 1, √5 - 1 एलसीएम ले लिए। अब √5 + 1, √5 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2√5 + 1 और यहाँ से बचेगा √5 - 1, ये साथ में लिखाएगा 2√5 + 1 और यहाँ से √5 - 1 माइनस, यहाँ पे √5 कैंसिल हो जाएगा, √5 - 1, √5 - 1 तो बचेगा √5 + 1 और यहाँ से 4√5 - 1, यहाँ से होगा 4√5 - 1 और यहाँ से होगा √5 + 1। अब हम लोगों को इसका एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इस स्टेप में एलसीएम हम लोग ले लिए, अब हम लोग मल्टीप्लाई करना है। जैसे √5 + 1, √5 - 1, यानी हो जाएगा √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यहाँ से प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2√5 × √5 यानी 5 देगा, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। फिर 2√5 × 1 यानी -2√5, +√5 × 1 तो +√5, और प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग यूज़ करते हैं अभी, यहाँ पे 4√5 है, यहाँ पे √5 है, तो √5 × √5 5 होगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। फिर इसी तरीके से 4√5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +4√5, फिर -1√5 से मल्टीप्लाई होगा तो -√5, और माइनस माइनस होता है प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है -+-1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 - 2√5, -2√5 + 2√5। -2 से अगर √5 चला जाएगा, -2√5 से, तो बचेगा सिर्फ √5। 2 से 1 √5 चल जाएगा, 2√5 से 1√5, तो बचा √5 -1, ठीक है। माइनस, अब यहाँ से आएगा 20, -+ −4√5 बचेगा, और माइनस माइनस +√5, और -+1, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे में 5 - 1 यानी कि 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे -√5 + √5 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे +1 - 1 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर में बच रहा है 20 - 10 यानी -10 - 4√5 डिवाइडेड बाई 4, ये हम लोगों को बच जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन लेंगे, जैसे कि 10 और 4 दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, या फिर सिर्फ 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा -5, और -2√5 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि बचा -5, -2√5, 1/2 ऑफ -5 -2√5, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। या हम लोग अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी 5 + 2√5, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8 का 1 मैंने बना दिया, 8 का 2 बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। हम लोगों को एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, तो जैसे हम लोग नॉर्मली एलसीएम लेके किसी चीज़ को बनाते हैं वैसे इसको भी बनाना है। बहुत सिंपल है, बस ख्याल रखना है कि मल्टीप्लाई ऐसे करना है, जैसे कि √5 है तो वो √5 से अगर मल्टीप्लाई हुआ तो 5 देगा, अगर 2√5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 ऐसे ही रहेगा, और √5 × √5 क्या दिया 5, तो 2 × 5 कितना हो गया 10। इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा ख्याल रखना है मल्टीप्लाई का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पार्ट टू वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया सब समझ में आ गया होगा, और इसी समझ के बेसिस पे हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट और पार्ट 1 है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।